देखिए मैंने मिक्सर में डेढ़ ग्लास पानी लिया है और बाकी जब हम नींबू इसमें डाल के और इसको दो तीन पल्स करेंगे और उसके बाद जब छानेंगे तब मैं बाकी का पानी ऐड करूंगी, अदरवाइज ये मिक्सी से बाहर छलकने लगता है। अब हमने ये जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे सबसे पहले हम इनको इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद जो मैंने नींबू यहाँ पर काट के रखे हैं वो नींबू मैं इनमें मिला दूंगी और अब मैं ये कटे हुए नींबू इसमें डाल दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें हल्का भी बिटरनेस ना रहे तो इसको आप नींबू के जो बीज हैं उनको निकाल कर ही डालिए। देखिए मैंने इसमें से बीज इस तरह निकाल दिए हैं, फिर भी एक आध आ जाता है तो आप पल्स में चलाते हैं तो उससे वो पिसते नहीं है। आइए अब हम इसको पल्स में चलाते हैं। ये देखिए हमने मिक्सी में दो बार पल्स करके इसको चला दिया था और अब हम इसमें हमने थोड़े से बर्फ भी ऐड करे थे, अब हम इसको पोर कर लेंगे और फिर उस ग्लास में सर्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था